क्या कर रहे हो? मैं आपकी जिंदगी अध्यापिका श्याम शर्मा, आज आपको आपको जो पाठ है पुस्तक का सर्व उसका अध्याय 13 जिसका नाम है एक स्त्री का पत्र, इसे पढ़ाने जा रहे हैं। जो आप अपनी पुस्तक का प्रश्न संख्या 78 निकालिए और अध्याय को ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है, यहाँ पर एक स्त्री है जो अपने पति को पत्र लिखकर के बताती है। पति दूर है, बाहर है, ठीक है, वो अपने व्यथा जो है पत्र द्वारा अपने पति को बताती है। पत्र इस प्रकार लिखा है, पूज्य वर, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह, यानी हमारी शादी 15 साल हुए हैं, हम तब से ही साथ ही रहे, अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं है। तुम्हारे घर की मंजरी बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने, आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ, इसे मंजरी बहू की चिट्ठी न समझना। मंजरी बहू के घर में वह दिन याद आता है, मैं मंजरी बहू बनकर तुम्हारे घर आई, अभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच कर देखा, जो सभी औरतें थी उन्होंने नई दुल्हन को जांच कर देखा, सबको मानना पड़ा कि वो सुंदर है। मैं सुंदर हूँ यह तो तुम लोग जल्दी भूलो, पर मुझ में बुद्धि है यह बात तुम लोग चाहकर भी ना भूल सकते। तुम लोगों ने उठते बैठते कहा, यह बहुत तेज है। तेज एक वैसे चपलता में तेज होता है बच्चों, और एक बुद्धि से तेज होता है। लोग बुरा बुरा कहते हैं, सो कहते हैं, मैंने सबको माफ कर। मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी, कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उन्होंने मेरी अपनी आवाज़ थी, यानी मेरे अपने जीवन की जो भी व्यथा, जो भी परेशानी, जो भी कुछ था वो उसमें सब उन कविताओं द्वारा मेरी जो परेशानियाँ थी या जो भी कुछ मेरे साथ घटित हुआ वो सब लिखा जाता है। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधनों से आ जाती हैं, जो तुम्हारे रीति रिवाज थे उससे वो आ जाते हैं। मैं जुटी रहती विशाल सागर मुझकर उड़े गए, क्योंकि यहाँ तो हुई थी और मजरी बहू से उसको सब कुछ मिल रहा, तो वो भी बहुत प्यार से रहने लगे उसके साथ। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा इन्होंने सोचा नहीं। बहुत दुखी थी कि परिवार में घटन बना माहौल था ससुराल में। बिंदु को जो प्यार दोबारा मुझसे मिला वह तुम लोगों को फूटे यहाँ पर सुना, यानी वो भी बड़ा याद आता है वह दिन जब बाजू बंद हाथ में बांधा जाता है, बिंदु पर चोरी का इल्जाम लगाने में तुम लोगों को पलभरी चीजें बना, उस बिंदु पर जो है बाजूबंद का इल्जाम लगा, ठीक है, पलभर भी चीजते हैं कोई, बिंदु बड़ी होने लगी साथ साथ तुम लोग भी नाराजगी भी बढ़ने लगी। प्लस 78 मैंने आपको पढ़ाया, अध्याय दो सुना दूसरी वीडियो में समझाऊँ।